हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब विद मुकुल में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैं एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूं, जो कि डोगरा रेजिमेंटल सेंटर की तरफ से निकला है। इसके फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका है। जितनी भी वैकेंसी रहने वाली है, सारी डिटेल्स के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एज क्राइटेरिया, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचते रहे। दोस्तों, जो ये भर्ती निकली है, ये डोगरा रेजिमेंटल सेंटर अयोध्या कैंट यूपी की तरफ से निकली है, जो कि रिक्रूटमेंट ऑफ डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग ये आपका जो नोटिस है निकला है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका है, द कमांडेंट द डोगरा रेजिमेंटल सेंटर अयोध्या कैंट यूपी इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर्म फॉलोइंग वैकेंसी फॉर नेशनल इंडियन नेशनल एलिजिबल कैंडिडेट्स। ओके, इसमें दोस्तों आपकी टोटल 6 तरह की वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें एलडीसी की एक वैकेंसी, जनरल की 12th पास इसमें मांगा गया है, और इंग्लिश की टाइपिंग मांगी गई है 35 वर्ड, और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट इसमें मांगी गई है। पे लेवल की बात करें तो अच्छा खासा पे लेवल है इसमें, 19,900, और ड्राफ्ट मैन 1 वैकेंसी, 10th पास इसमें मांगा गया है, और आपसे सर्टिफिकेट मांगा गया है ड्राफ्ट मैन मैकेनिकल की, जिसमें आपके 25,500 से लेकर 81,000 तक की आपकी सैलरी मिलेगी। टेलर के लिए 2 वैकेंसी है, एक एक्स मैन की है और एक एससी की है, जिसमें आपको 10वीं पास मांगा गया है और एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, इसमें कुक की 9 वैकेंसी दी गई है। आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इसमें आपको 10वीं पास की देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन बार बार में आपको 2 वैकेंसी, जिसमें एक पीएच और एक जनरल, ठीक है, इसमें आपको 10th पास देखने को मिलेगा। माली के लिए 1 वैकेंसी, 10th पास देखने को मिलेगा, और उसमें आपको यहाँ पे इनकी इन फुल फॉर्म दे दी गई है, यूआर की, एससी की, एसटी की, ओबीसी, इनकी सबकी डिटेल्स दे दी गई है, और आपको एज रिलैक्सेशन भी इसमें देखने को मिलेगा। और अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ अथॉरिटी एज प्रेस्क्राइब्ड गवर्नमेंट इंडिया, 40% आपके पास होना चाहिए। द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन अंडर ईडब्ल्यूएस, ठीक है। कट ऑफ एज ऑफ, यहाँ पे आपको जो एज है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। एज छूट भी आपको दी गई जाएगी, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। टेस्ट इसका कंडक्ट कराएगा द डोगरा रेजिमेंट सेंटर फैजाबाद, ठीक है। राइटिंग टेस्ट होगा एंड स्किल टेस्ट होगा। उसमें जो सिलेबस की बात कर ले तो इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश रीजनिंग और जो इंग्लिश आपकी है वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और अवेयरनेस 25 नंबर 25 क्वेश्चन के। 2 घंटा आपको देखने को मिलेगा, और 0.25 की आपकी निगेटिव मार्किंग इसमें देखने को मिलेगी। बायलैंग्वल आपका पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश के आपको 12th लेवल का होगा, और जो अदर पोस्ट है उनके लिए आपका 10th लेवल का पेपर इसमें कराया जाएगा। एप्लीकेशन नंबर इज रिस्पॉन्स एडवोकेट लार्ज, अगर आपने एक ही डबल एप्लीकेशन दे दी तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड पोस्ट करना होगा कोरियर के थ्रू। इसमें आपको यहाँ पे लिख देना होगा लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो डाल देना है, और 30 रुपये का स्टाम्प इस पर लगा देना है। लास्ट डेट इसमें 30 दिन रखे गए हैं लास्ट डेट, और इसमें आपको एज लिमिट शैल बी क्लोजिंग, जो इसकी क्लोजिंग डेट होगी वो मैं आपको बता दूंगा, उसके रिगार्डिंग इसमें लास्ट डेट काउंट करी जाएगी। डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें आपको मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक फॉर एक्सर्विसमैन, कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप के लिए अपना सर्टिफिकेट, और 2 सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व, एंड एक पोस्टल 30 रुपये का एक स्टैंप आपको इसमें लगाना होगा, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इसमें आपको इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस डाली हुई है, जो कि आप पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन में दी गई है। यह आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप अच्छे से भरिएगा, इसका मैं अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में तो इतना ही था, नई वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।